कोशिश करें जब आप लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं खुशहाल में मंडेरा में, आप लोग कोशिश करें अपने साथ जो है रेन कोट लेके घूमें, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अब बारिश रुक गई है। तो रेन कोट का फ़ायदा ये है, या फिर आपके पास अम्ब्रेला हो अच्छी वाली, उसका फ़ायदा ये है कि जैसे बारिश होती है आप लोग अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब दोस्त करके लिए से हो गए। सुबह के इस टाइम जो है 9:30 हो चुके हैं और आपका भाई उठा है, फटाफट से फ्रेश हुआ है और अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट का, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था सुबह 7:30 से 10:30 तक, तकरीबन 7:30 AM से 10:30 AM तक है, एक घंटा है अभी मेरे पास ब्रेकफास्ट करने का। आप लोग को दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट कैसा है। वेदर का मैं आप लोग को बताऊँ कि आज का दिन मडेरा का बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि स्टॉर्म है यहाँ पे, आज तूफान है, पूरी रात जो है बिजली की रफ्तार से कड़क चमक चमक सब कुछ होता रहा है, बहुत बारिश थी। आप लोग टेबल पे भी देखें पानी थे, मैंने कुछ सॉक्स वगैरह यहाँ रखे हुए थे, रात उठा हूँ वो भी अंदर रख दिए, बहुत ज़्यादा रफ्तार थी हवा की। और आप लोग चेक करें इस टाइम जो है आप समंदर देखें, उसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा जो है सख्त है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, काफ़ी ट्रैवल वालों से भी मैंने पूछा, चीज़ें भी मैंने देखी। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, आज के दिन मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ, मैंने सोचा था खुशहाल सिटी जाऊंगा, बिल्कुल डाउनटाउन एरिया में आप लोगों को टूर कराऊंगा। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन, गो विद फ्लो वाला व्लॉग है। अभी जा रहा हूँ नीचे, पहले आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे होटल में जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, तो चलिए चलते हैं नीचे। तो भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे चलते हैं। तो भाई सुबह जो है बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है, चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें खाने पीने के लिए यहाँ पे। इस टाइम आपका भाई जो है इस शर्ट में मौजूद है, क्योंकि सर्दी बिल्कुल नहीं है लेकिन वेदर बहुत ख़राब था रात को भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी और एक स्टेप नीचे जाना है, तो रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल नीचे बेसमेंट में बना हुआ है। फाइनली आ चुके हैं रेस्टोरेंट यूरोप, बुफे सिस्टम है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा जो है रश है, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, अभी आपका भाई तलाश करता है इसमें हलाल क्या है। डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स है यहाँ पे, कॉफ़ी है, चीज़ है, फ्याम्बर है, बिस्किट्स हैं, फ्रूट्स हैं, कॉफ़ी, जूस, बहुत कुछ है। ब्रेकफास्ट में पहले करते हैं, तीन चार किस्म के तो वो ही हैं, ये ओवो का जो है मिक्सर बना हुआ है, ओवो है ये, उसके अलावा ये कुछ और है, ये कोको मेलिश है, ये बताता है, बताता आलू को बोलते हैं, उसके बाद बॉयल एग भी है। आपका भाई तो ब्रेड की इकसाम देख के ही परेशान हो गया, आप देखें नॉर्मल ब्रेड है, पाव है, दूसरे किस्म का ब्रेड है, यहाँ पे ब्राउन ब्रेड है, यहाँ पे पाव है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ब्रेड हैं। चीज़ें इतनी हैं कि आप लोग जो है वो खा के थक सकते हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। इस टाइम जो है मैं आप लोगों को टेबल पर दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें पिक की हैं। तो अभी भाई ये ब्रेकफास्ट आपके भाई ने चूज़ किया है, 3 बॉयल्ड एग हैं, 2 फ्राई एग हैं, इसके साथ बताता है केजू ब्रेड है, इसके साथ चीज़ है, इसके अलावा ये स्वीट है, इसके अलावा मंतेगा है, आप लोग चेक करें, इसके अलावा बनाना है, जूस है, योगर्ट है, स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा ये फ्रूट्स हैं। अभी जो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि तकरीबन जो है आई थिंक मेरे ख्याल से 30 मिनट्स रह गए हैं, तो खाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ लिया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर ब्रेकफास्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है और पैसे वसूल सिस्टम है सारा कुछ यहाँ पे। A few moments later. तो फाइनली जो है ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म, बड़ा कमाल का बुफे था, बहुत अच्छा। और आप लोगों को मैं बाहर दिखाऊँ, बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा जो है हवा चल रही है, पर वेदर जो है नॉर्मल है, वेदर की टेंशन नहीं है, वेदर जो है बिल्कुल आप लोगों को समर वाला ही मिलेगा, क्योंकि मैंने चेक किया है वेदर बिल्कुल नॉर्मल है पर हवाएं बहुत तेज़ चल रही है। अच्छा, अब जो है बुफे का टाइम ख़त्म हो गया, तकरीबन जो है 10:30 पे जो है बुफे ख़त्म हो जाता है। अभी जो है यहाँ से आपका भाई जो है जा रहा है वापसी रूम की तरफ, और रूम से फिर जो है निकलता हूँ खुशहाल सिटी पर अगर बारिश नहीं हुई तो। रूम में आया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रहा था कि बस रूम में आके कपड़े चेंज करूं और निकल जाऊं खुशहाल डाउनटाउन एरिया के लिए, लेकिन वाकई जो प्रिडिक्शन हुई है ना इसकी, स्टॉर्म की, तूफान की, वो वाकई सही है। तो मैं सोच रहा था कि जाऊँ और फिर जब शाम को वापसी आऊँगा तो 8 बजे से पहले मेरे पास टाइम होगा, मैं आप लोगों को इनडोर स्विमिंग पूल का विजिट कराऊँ, जकोजी का, सुहाना का, जिम का, एवरीथिंग,
लेकिन अभी जो आप चेक करें बारिश स्टार्ट हो गई है, कुदरत का निजाम, उसके आगे आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई ये बना हुआ है स्नूकर खेलने का एरिया, अगर आपने खेलने तो आपने पहले जो है 5 यूरो पे करने, इसके साथ जो है सबसे फेमस पट्टी, हम तो पट्टी बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश और पुर्तगीज में, ये भी है यहाँ पे, 5 यूरो आपने देने और आप लोग इसको खेल सकते हैं। ये आपका भाई जा रहा है देखने के लिए कि इंडोर स्विमिंग पूल जो है कैसा बना हुआ है और जकूजी और सुहाना कहाँ बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये बना हुआ है इंडोर स्विमिंग पूल और इसमें भी जो है अभी पानी फिलहाल ठंडा है, सिटिंग एरिया भी है इसके साथ, इंडोर स्विमिंग पूल है ये और इसके साथ जो है अंदर जकूजी भी है, लेकिन उधर जो है इस टाइम जो है फैमिलीज अपना एंजॉय कर रही हैं, तो मुनासिब नहीं बनता वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना। अभी आपका भाई इस एजेंसी से बाहर आ चुका है, ये लोग टूर्स करवाते हैं और इनके पास कल एक टूर है जो कि नॉर्थ का भी है और साउथ का भी है, तो उसने मुझे बोला कि अगर आपने ये टूर बुक करना है तो शाम 6 बजे से पहले आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। 28 यूरो प्राइस जो है वो एक अडल्ट की है, और अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो 50% ऑफ है, मतलब 14 यूरो। टूर मैं चेक करूँगा थोड़ी देर में, अगर इसमें जिन प्लेसेस पे मुझे जाने हैं वो अवेलेबल हैं तो लाजमी बुक कर लेंगे इनको कॉल करके, क्योंकि होटल से बहुत नज़दीक है और आप लोग देखें बैक साइड पे होटल है, रेंटा कार भी यहीं पर है। जिस तरह लिस्बन में टीवीडी का कंपटीशन चल रहा है, इधर रेंटा कार का कंपटीशन चल रहा है, हर जगह पे अलग सिस्टम है। अच्छा, ये पीछे जिस रेंटा कार पे मैं गया हूँ इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, आपने 42 यूरो पे करने हैं पर डे के, नो डिपॉजिट, नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, नथिंग एल्स यू हैव टू पे। और गाड़ियाँ जो हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, आप लोगों ने यहाँ से ही पे करनी है। मैंने उसको बोला मेरी अगर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी, हाउ आई कैन रिटर्न द कार बिकॉज द ऑफिस विल बी क्लोज इज़ लाइक 6:30 PM। सो उसने मुझे बोला आप एयरपोर्ट पे भी ड्रॉप कर सकते हैं गाड़ी, पर यू हैव टू पे 10 यूरो मोर एंड यू विल ड्रॉप द कार ऑन यूर होटल एंड गिव की टू द रिसेप्शनिस्ट एंड आई विल टेक की फ्रॉम देयर, बिकॉज ये मेरे होटल से काफ़ी नज़दीक था, इसलिए मैंने बोला यहाँ से पता कर लूँ, तो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। रेंटा कार का भी पेपर ले लिया, अगर दिमाग बना रेंट आउट करने का तो यहाँ से रेंट आउट भी कर सकते हैं, और अगर दिमाग बना टूर लेने का तो टूर भी ले सकते हैं। तो भाई ये बनाना मेडेरा जो है लगा हुआ है, आप लोगों को मैं इसकी ये ख़ास बात बता दूं कि ये जो बनाना मेडेरा है ये बड़ा सेल आउट होता है यूरोप के अंदर, और ये सख्ती से मना है कि यूरोप के बाहर किसी भी मुल्क के अंदर ये वाला बनाना बेचा जाए। ये ख़ास और नई बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पर ये दूसरे जो आप लोग बनाना परचेस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, उनसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और जायके में भी बहुत अच्छा है। आप लोग ट्राई करते होंगे, लिस्बन के अंदर बनाना मडेरा लिखा होता है, तो ये देख लें भाई, इस तरह जो है बनाना मडेरा यहाँ से जो है मडेरा सिटी से एक्सपोर्ट होता है लिस्बन के लिए और दूसरे सिटीज के लिए। तो अभी जो है काफ़ी देर वॉक करने के बाद आपका भाई तकरीबन नज़दीक पहुंच चुका है फुशाल के सिटी के डाउनटाउन एरिया के, लेकिन यहां से मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाने वाला हूं। आप चेक करें भाई, वो पहाड़ियों तक जो है बादल हैं और ऊपर इतनी रिहाइश है लोगों की, बड़ा खूबसूरत व्यू है। तो यहां से जो है अभी मेरे को तकरीबन 1 किलोमीटर और वॉक करनी है। आप इस चीज़ का वेदर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग देखें लोग शॉर्ट्स और शर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। मेडेरा के इस टूर में मैंने एक चीज़ देखी है कि वेदर लिस्बन से 100 times बेटर है, बट यहाँ पे रेन अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है। आप लोग चेक करें, तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में इस टाइम सर्दी चल रही है और यहाँ पर जो है लोग कच्छों में, शॉर्ट में और सैंडों में घूम रहे हैं, तो समर के लिहाज से बेहतरीन कंट्री है, बड़ा ज़बरदस्त है। टूरिस्ट, हर जगह टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, हर जगह होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो मैं पता कर रहा था रेंटा कार वालों से कि भाई पेट्रोल पम्प जो है कितना दूर बने हुए हैं, उसने बोला आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बाय वॉक जो है ये तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे पेट्रोल पम्प आ गया, तो गाड़ी के लिए तो 5 मिनट है सिर्फ, पेट्रोल पम्प है ये और डिफरेंट कंपनीज हैं यहाँ पे, उनके पेट्रोल पंप पे अगर आप रेंट आउट कार करते हैं तो आप लोग यहाँ से पेट्रोल भी डलवा सकते हैं।
अभी आपका भाई जो है पार्क से वॉक करते करते निकल रहा है और बहुत ही जो है खूबसूरत इस टाइम व्यू है मेरी आंखों के सामने, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। माउंटेन्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, सामने बोट्स हैं और लोगों के आप देखें घर कितनी ऊंचाई तक बने हुए हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये पार्क है। मैंने बोला फुशाल सिटी सेंटर भी सीधा ही रोड जा रहा है और पार्क से निकल के भी हम सीधे ही जा सकते हैं। वेरी काल्म प्लेस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल प्लेस है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सामने समंदर का नज़ारा है, फ्लावर्स फूल तरह तरह के यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें नज़र आएंगी। और बैठने के लिए आप देखें काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं क्योंकि बिल्कुल पीसफुल प्लेस है। टाइम जो मैं अभी आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल हम लोग जो है ऑलमोस्ट फुशाल डाउनटाउन एरिया में पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पैसे वसूल खुशहाल सिटी का बड़ा खूबसूरत नज़ारा। अच्छा आप लोग देखें ये यहाँ से इस टाइम जो है सामने बिल्कुल समंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और इस तरफ जो है सामने ही जो है आप लोगों को ये बड़ा खूबसूरत व्यू। नीचे आप लोग देखें वो बसेस खड़ी हुई हैं जो टूर कराती हैं होप एंड ऑफ। आई होप यहाँ से ही जो है हमें टूर मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये टूर लेके आप लोगों को बाकी तमाम जगहों का व्यू दिखाने की कोशिश करूँ। सामने यहाँ पे जो है आप लोगों को बोट्स नज़र आ रही होंगी, सामने शिप है मेरे ख्याल से, ये इनकी मिलिट्री का है और शिप्स आप लोगों को बोट नज़र आ रही होंगी। अच्छा ये सामने ही होटल है CR7 और ये CR7 होटल में पहले बुक करने वाला था बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी इसलिए बुक नहीं किया। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अभी मैं बारिश का जिक्र आप लोगों के साथ कर रहा था कि फुशाल में और मडेरा में अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी टाइम बारिश स्टार्ट हो सकती है, तो फाइनली जो है सुन ली गई है और बारिश स्टार्ट हो गई है। कोशिश करें जब आप लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं खुशहाल में मडेरा में आप लोग कोशिश करें अपने साथ जो है रेन कोट लेके घूमें क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अब बारिश रुक गई है। तो रेन कोट का फ़ायदा ये है या फिर आपके पास अम्ब्रेला हो अच्छी वाली उसका फ़ायदा ये है कि जैसे बारिश होती है आप लोग अपने आप को कवर अप कर सकते हैं ताकि जो है आपका जो सामान है वो गीला ना हो। और आज जो है इसी तरह का सीन है, कभी 40% है कभी 50% है, बारिश होती रहेगी लेकिन साथ साथ घूमते भी रहेंगे। जब बारिश होगी रेनकोट पहन लेंगे, जब बारिश नहीं होगी रेनकोट उतार देंगे। तो खूबसूरत नज़ारा है, व्यू बहुत अच्छा है। अभी जो है बारिश रुक चुकी है और आपका भाई जा रहा है नीचे की तरफ। रेनकोट मैंने पहन लिया था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अभी यहाँ पर जो है बारिश रुक गई है तो इसको उतार देते हैं रेनकोट को। व्यू तो यहाँ से भी बहुत खूबसूरत है, रोड जो है वो फुटपाथ भी जो है गीले हो चुके हैं तो एहतियात से वॉकशॉक करनी है क्योंकि गीले रोड पे स्लिप होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अभी यहाँ का वेदर ऐसे ही है, 5 मिनट बारिश हो रही है 5 मिनट बाद रुक जाती है। पहले 5 मिनट बारिश हुई मैंने कोट उतारा है, 5 मिनट बाद फुल तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो अभी जो है मैंने थोड़ी देर पहना हुआ है, मैंने बोला ये ना फिर से जो है बारिश स्टार्ट हो जाए। अच्छा आप लोग चेक करें ये है साइट सीइंग बस और येलो रेड कलर में ये जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। चेक करते हैं कि इनकी क्या प्राइस है, टूर कितने का है, कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने जगह को एक्सप्लोर करेगा, कितने मिनट का टूर है, ये सारी चीज़ें आपका भाई इनसे पता कर लेता है। और चेक करता हूँ कि यहाँ पे टिकट वगैरह आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, अंदर चार्जिंग का सिस्टम है या नहीं है। तो भाई आपके भाई ने रेड और येलो बस दोनों के जो है मैप ले लिए हैं। आप लोग को एक डिफरेंस बता दूँ दोनों चीज़ों में, रेड जो बस यहाँ से चलेगी वो हर 20 मिनट के बाद जो है आप लोगों को डिफरेंट जो प्लेसेस है वहाँ से हर 20 मिनट बाद बस आपको पिक कर सकती है। और येलो जो है वो हर 45 मिनट्स के बाद जो है बस आपको पिक करेगी। रेड में ये अगर आप लोग बस लेते हैं, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप लोगों को बच्चों के पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाइल्ड फ्री है। लेकिन येलो में आप लोगों को बच्चों के पैसे पे करने हैं। डिफरेंट टूर्स हैं, 24 आवर्स के लिए आप ले सकते हैं बस, 48 आवर्स के लिए ले सकते हैं। तो अभी जो है थोड़ी देर खुशहाल सिटी एक्सप्लोर करते हैं, फिर चेक करता हूँ इस बस को के कौन कौन से प्लेसेस पे विज़िट करा रही है। 20 यूरो है रेड बस का और 28 यूरो जो है वो है येलो बस का।
भाई आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, मुझे मडेरा का इस तरह पता था कि मैं स्पोर्ट्स बहुत लाइक करता हूँ, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो दुनिया का बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है उसका ताल्लुक है मडेरा से। ये एक जजीरा है और आप लोगों ने अगर यहाँ पे फ्लाइट लेनी होती है तो विंटर सीजन में बहुत चीप फ्लाइट आपको मिल जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एयरपोर्ट वाली वीडियो में बताया था। वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन है, तकरीबन हर साल का यहाँ पे इस सिटी को जो जजीरा है इसको अवार्ड मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी ज़्यादा जगहें ऐसी हैं यहाँ पर देखने वाली, नेचर के लिहाज से रियलिस्टिक सब कुछ, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो मैंने यही इरादा बनाया था अगर पुर्तगाल में जब मूव हुआ था कि जब मुझे वेकेशन मेरी होगी, जब भी वेकेशन होगी पुर्तगाल में, अगर मैं कहीं ट्रैवल करूँगा बाय एयर तो सबसे पहले जो होगा मडेरा आइलैंड होगा, ये जजीरा होगा। तो फाइनली मैंने जो सोचा था ये हुआ है, और यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि मैंने लाजमी जो है सही सोचा था, क्योंकि बहुत खूबसूरत है यार। अभी जो है वॉक कर रहा हूँ मैं, सिटी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, लोकल बसेस, ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ है। तो जब आप लोगों को यहाँ पे आना है तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है, कौन से वेदर में आना है, क्या सिस्टम आना है, कौन सी चीज़ लेकर आना है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, अगर आप चीप ट्रेवल करना चाह रहे हैं विंटर चूज़ करें, बट यू हैव टू पिक विद यू अम्ब्रेला और रेनकोट, बिकॉज बारिश जो है अनप्रिडिक्टेबल है, पर वेदर जो है औसम है। आप लोग चेक करें, अभी जो है जनवरी का महीना है और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है उधर किस तरह का वेदर है, और यहाँ पर चेक करें किस तरह का वेदर है। मेरे आप चेक करें, ना जैकेट है ना कोई थर्मल है, बस एक शर्ट है, और लोगों ने तो वो शर्ट्स भी नहीं पहनी हुई। बड़ा खूबसूरत वेदर है यहाँ पे। अगर आप मडेरा विजिट कर रहे हैं तो ये मडेरा का जो है टिपिकल फूड है कि ज़्यादा द मडेरा, ये चीज़ के साथ जो है स्वीट होती हैं, आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करना है, और मैं अगर अभी ट्राई करता हूँ तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे और कितने का ये। तो अभी ये प्लेट मैंने परचेस की है, इसके अंदर बकलाउन फिश है और सैलड है, तकरीबन 6 यूरो की ये प्लेट है, और टिपिकल पुर्तगीज खाना है क्योंकि लोग जो यहाँ पे फिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी जो है भाई तार्त दी नाता और केजादा दी मदेरा, ये यहाँ का टिपिकल फूड है, और ये पुर्तगाल में आप लोगों को पता है जिस तरह पेस्टी दी नाता है उस तरह इन्होंने ये जो यहाँ पर जो है तार्त दी नाता ये स्टार्ट करा है। ये इस रेस्टोरेंट का टिपिकल फूड है और ये जो है मडेरा का, तो टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा है। अभी आपका भाई ट्राई करने लगा है केजादा दी मडेरा। अच्छा है, चीज़ है और स्वीट है, स्वीट डिश है, अच्छा बना हुआ है, तकरीबन 1 यूरो का है। आप लोग भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं ये ट्राई कर सकते हैं, टिपिकल फूड है, हर सिटी का एक टिपिकल फूड होता है, ये टिपिकल फूड है, स्वीट डिश है मडेरा की। काफ़ी देर से बाहर बारिश हो रही थी और अभी जो है थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है, आप देखें थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है और थोड़ी देर बाद जो है बारिश हो जाती है। बारिश के बाद कुछ इस तरह का मौसम है, और बाहर जो है अभी जगह जगह पे आप लोग देखें पानी है। ये पब्लिक बसेस हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर जाती हैं, सेम लाइक लिस्बोआ, यहाँ पर जो है टाइम लिखा हुआ है, आप लोग टाइम के हिसाब से जो है बस ले सकते हैं। मडेरा में जो है ज़्यादातर जो मैंने लोग टूरिस्ट देखे हैं वो ओल्ड सिटीज़न ही देखे, मेरे ख्याल से पेंशन लेने के बाद जो है ज़्यादातर लोग इस कंट्री को, पुर्तगाल के इस जजीरे को समझते हैं कि ये रहने के लिए बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो मुझे रिटायर्ड नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हों, यूके से हों, अमेरिकन, कैनेडियन, डिफरेंट कोल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ कपल ओल्ड कपल, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद जो पैसा है लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस जजीरे पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वापसी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होने लगी है, आप लोग चेक करें वेदर, सिटी जो है बड़ा खूबसूरत है। बाय वॉक आप लोग खुशहाल का सेंटर एरिया जो है आप लोग बाय वॉक एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बाकी डिफरेंट जगहों पर जाने के लिए आप डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के हॉप एंड ऑफ बस है, ऑटो कार है। खाना भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप खाएं, प्लेट जो अभी मैंने खाने की आप लोगों को दिखाई तकरीबन 6 यूरो की थी, और जो इनका टिपिकल फूड था वो तकरीबन 1 से 2 यूरो का था, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पर यह है कि डिपेंड करता है किस जगह पे, कौन सी लोकेशन पे, कौन से रेस्टोरेंट पे आप लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वॉक करने के बाद अभी आपका भाई आ चुका है हॉप एंड ऑफ बस पे,
पर ये बस जो है वो नहीं जाएगी, इसके बाद 10 मिनट में एक बस आने वाली है वो जाएगी। तो मैं आपको ओपन ऑफ बस का टूर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और ताकि आप लोग कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं किस किस प्लेस पे जा रहे हैं, कितने का टिकट है और कौन कौन सी जगह से गुजरेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत। तो आज की वीडियो जो है ये वाली यहीं पर करता हूँ एंड। आप लोगों को हल्का फुल्का खुशहाल का वॉकिंग टूर दिया है, और आप लोगों को यहाँ की जो मेन स्वीट डिश है वो भी बताइए मैंने कि कैसी है। अभी मैं इस टाइम ओपन ऑफ बस पर हूँ, 10 मिनट में दूसरी बस आती है। काफ़ी ज़्यादा मैप मैंने लिए हैं, पर कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी क्लोज हैं स्टॉर्म की वजह से। केबल कार का टूर क्लोज है स्टॉर्म की वजह से, विंड की वजह से, और जो समंदर में बोट्स डॉल्फिन टूर था वो भी क्लोज है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लोज हैं, लेकिन विंटर में आप कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि चीप हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती विंटर में। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होता है ये टूर, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कंप्लीट ओपन ऑफ का टूर, और आप लोगों को मैं जगहें भी दिखाऊंगा, प्राइस कितनी लगी है वो भी बताऊंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।